नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मन के साथ भारत के साथ जोड़ने का काम किया। हमारे कई डेवलपमेंट के पंडित कहते हैं मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मैं बताता हूं भैया, ये भी बताता हूं मान्यवर, कई विकास के पंडित कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट पहुंच गया, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं आठों राज्यों में रेल पहुंच गई, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं इतने हजार किलोमीटर रोड बन गया, दूरी कम हुई। अरे भाई, दूरी रोड रेलवे और विमान से कम नहीं होती है, दूरी दिल से कम होती है। मोदी जी ने दिल से दूरी कम करने का काम किया है और नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। आज मैं कहता हूँ ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को 9 साल हुए हैं, 15 साल और 18 साल प्रधानमंत्री रहे हुए लोग हैं इस देश में जिन पर इनको नाज है और हम पर अविश्वास है, मगर वो कभी 50 बार नहीं गए। मोदी जी 9 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट गए। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा है, इसका कसक हमारे मन में। उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग किस तरह से छोड़ दिया था, आगजनी, टेररिस्ट, नस्ली हिंसाएं, और आप हमारा हिसाब मांगते हो? बोलो मणिपुर में, बताता हूं मैं, फिर बोलूंगा मणिपुर। मान्यवर, इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ नहीं किया, ना विकास किया है ना कुछ किया है। मैं आपको बताता हूं, अटल जी नैसेक स्थापना कर गए थे, इसरो जैसी एक संस्था बनाई, पदेन मैं इसका अध्यक्ष होता हूं। मोदी जी ने नैसेक को एक्टिवेट करा, पूरा नॉर्थ ईस्ट का स्टडी किया है, ब्रह्मपुत्र के पूर्व को बड़े बड़े मैदानों में तालाब बनाकर इसके अंदर डाइवर्ट कर सिंचाई भी होगी, बाढ़ का रास्ता भी होगा और पर्यटन भी होगा। ये बाढ़ मुक्त नॉर्थ ईस्ट आने वाले वर्षों में, और हम बनाकर रहेंगे नॉर्थ ईस्ट को बाढ़ मुक्त, क्योंकि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता हमें चुनने वाली है, क्योंकि भले आपको अविश्वास हो मगर जनता को तो। मान्यवर, मैं जब ये कहता हूं तब हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति ऐसे भावनाओं से नहीं करी, एक कागजी शांति नहीं, इसके पीछे रणनीति है, इसके पीछे कड़ी मेहनत है और इसके पीछे लगन भी लगी है। मान्यवर, 2014 में अचीक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल की हमने समाधान करा, लगभग 674 लोग समाधान हुआ। अब ये अचीक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल की हिंसा में 224 लोग मारे गए। एनएलएफटी के साथ 2019 में समाधान हुआ, 88 लोगों ने सरेंडर किया, इसमें 144 लोग मारे गए थे। बोडोलैंड के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ समाधान हुआ 2020 में, एनएलएफटी के साथ 19 में हुआ, 2020 में बोडोलैंड के साथ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ हुआ, 1630 लोग सरेंडर किए, 4300 लोग बोडोलैंड की हिंसा में मारे गए थे। मान्यवर, 4362 लोग, और इन्होंने हथियार डाले। कार्बी समूह 197 लोग मारे गए थे, 1000 उग्रवादियों ने समर्थन किया। असम आसादी आदिवासी सशस्त्र समूह 1182 लोगों ने सरेंडर किया, 329 लोग मारे गए थे। और दिमासा नेशनल लिबरल आर्मी 168 लोगों ने सरेंडर किया, जिसमें 25 लोग मारे गए थे। मान्यवर, कुल 8000 सशस्त्र उग्रवादियों ने सरेंडर नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में किया। और हमारे सम्माननीय सदस्य गौरव जी कह रहे थे हिंसा के त्रस्त है, देखा नहीं जा रहा है, आग की लपटे। भाई, आग की लपटे अभी तो मणिपुर में मैं आता हूं क्यों हुई है, परंतु आपके समय में तो आठों राज्य आग की लपटों से घेरे हुए थे और ये हिंसा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे जो अब सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए। मान्य अध्यक्ष जी, मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर के अंदर हमने हिंसक घटनाओं में 68%, सुरक्षा बलों की हत्याओं में 68% और हताहत नागरिक में 82% कमी करी है। ये सारा मैंने जो कहा वो समझौते किए हैं। आसाम के अंदर 70% से अधिक अपसफा का क्षेत्र मुक्त, मणिपुर के अंदर 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशन हटाए गए, अरुणाचल में केवल एक जिला और 3 पुलिस स्टेशन बच गए,
नागालैंड में 8 जिलों के 18 पुलिस स्टेशन हटाए गए और त्रिपुरा और मेघालय में पूर्णतः अब सपा हटा लिया गया है। माननीय अध्यक्ष, मैं ये कहता हूँ कि जो बचा कुछा काम बाकी है वो भी हम ही पूरा करेंगे, क्योंकि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता हमें चुनने वाली है, क्योंकि जनता को, आपको भले अविश्वास हो, जनता को